हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमने चैनल बनाई 8 टाइप्स ऑफ मैथ वर्कशीट नंबर एक्टिविटी, जिसको बच्चे करना पसंद करते हैं, बहुत क्रिएटिव है और आप घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर आपके बच्चे समर वेकेशन में फन वे में उन्हें नंबर सिखा सकते हैं। और चलिए देखते हैं ये क्या क्या एक्टिविटीज़ है और कैसे करना है। तो मैंने कुछ वर्कशीट बना रखी है, लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। सबसे पहले हम करेंगे लर्न विद स्माइल वाली एक्टिविटी। तो इसमें कुछ स्माइली फेसेस हैं बच्चों के लिए, सैड, हैप्पी, हर तरह का है। तो जैसे ये पिंक कलर का स्माइली है, तो इस पे बच्चे स्माइली का हम हेयर ड्रॉ करेंगे। लर्न विद स्माइल में आपको क्या करना है, स्माइली पे जितने भी आपको नंबर्स शो हो रहे हैं आपको हेयर्स ड्रॉ करने हैं सेम कलर। तो इससे बच्चे कलर कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं, काउंट एंड मैच भी सीखते हैं। और समर वेकेशन में आप बच्चों को सिंपल सिंपल एक्टिविटीज से ना एंगेज रखिए, तो बच्चों का ब्रेन भी बूस्ट होता रहता है। फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट वर्कशीट कम्प्लीट हो गई है। बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से फेसेस सीखते हैं, स्माइली, और उनको कलरफुल फेसेस अच्छे लगते हैं, तो इससे बच्चे काउंट करना सीखते हैं। अब हम करेंगे सेकेंड एक्टिविटी। तो सेकेंड हमारी जो एक्टिविटी है ये है डाइस वर्सेस नंबर। तो इसमें से थ्री बच्चे काउंट भी करेंगे, 1 2 3। तो जहाँ पे 3 बच्चे यहाँ पे सर्कल करेंगे, तो इससे भी ये भी काफ़ी हमारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। लेट्स लर्न विद डाइस काफी यूनिक एक्टिविटी है, बच्चों का ब्रेन बूस्ट करती है। आप बच्चे इसमें कलर मैचिंग करना भी सीखते हैं, काउंट एंड मैच भी सीखते हैं, काउंटिंग भी सीखते हैं। तो आप अपने बच्चों को वेकेशन में ये एक्टिविटी जरूर कराइएगा और बच्चे इंजॉय भी करते हैं, बच्चों को कलर करना भी पसंद आता है। आप इस एक्टिविटी को काउंट एंड मैच करके भी करवा सकते हैं बच्चों से। तो अब हम थर्ड जो एक्टिविटी करेंगे, ये हमारी थर्ड एक्टिविटी है वर्कशीट नंबर एक्टिविटी है। इसमें फ्लावर हमने बना रखा है, इसमें पेटल्स बनाएंगे बच्चे। तो इसमें हम ईयरबड पेंटिंग करेंगे। तो ये जो है जैसे 3 है तो 3 पेटल्स बनेंगे। फर्स्ट में बता देती हूँ कैसे बनेगा, 1 2 3। यहाँ 5 है, तो ये काफी इंजॉय करते हैं बच्चे एक्टिविटी करना। तो फ्रेंड्स, अब हमारी आ गई है फोर्थ एक्टिविटी नंबर एक्टिविटी, लेट्स डेकोरेट बलून्स। तो इसमें बच्चे क्या करेंगे, जैसे पैटर्न्स भी सीखेंगे। जैसे 3 है तो 3 के आगे हमने स्लीपिंग लाइन डाला है, तो 3 स्लीपिंग लाइन, 4 है तो 4 जिगजैग लाइन, एंड 6 है 6 ट्राइंगल, 5 है तो 5 सर्कल्स, 1 स्माइली, 2 स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरह से सीखेंगे हम, कलरफुल पैटर्न में कराएंगे सो दैट बच्चों को अच्छा लगे। इस एक्टिविटी में आप बाद में आप कलरिंग भी करने को दे सकते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं ये सारी एक्टिविटी और बोर भी नहीं होते समर वेकेशन में। आजकल बच्चे मोबाइल में बिजी हैं, टीवी देखते हैं, गर्मी है, कहीं भी नहीं जा रहे, तो इससे बेटर आप उनको छोटी छोटी एक्टिविटीज दीजिए इस तरह की। शायद उन्हें ये सब आता है बट आप दोबारा से दीजिए, उन्हें काफी अच्छा लगता है। ये हमारा पैटर्न कम्प्लीट हो गया, नीचे बॉटम पे कर लो करो पर्पल। तो इस तरह से आप कलरिंग भी करा सकते हैं, फन वे में बच्चे करते भी हैं, नीचे भी करो। फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूले, और चैनल आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं विद द बेल आइकन। फिफ्थ एक्टिविटी में आज मैथ का हम एक्टिविटी शेयर कर रहे हैं। तो ये है हमारा लेडी बर्ग। तो ये जैसे 4 है तो 4 स्लीपिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन बच्चे कर लेंगे। इस एक्टिविटी में आप वाटर कलर भी यूज कर सकते हैं या फिर आप बच्चों से स्टैंडिंग लाइन या फिर सर्कल भी ड्रॉ करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सिक्स हमारी एक्टिविटी वर्कशीट है वाटर मेलन वर्कशीट। इसमें बच्चों से शीट का काउंट हमें ऐड कराना है, जितने नंबर वहाँ पे लिखे हुए। ये सारी एक्टिविटीज काफी इंटरेस्टिंग है, जल्दी मैं आपके साथ इंग्लिश वर्कशीट शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है ना तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज इन वीडियोस को बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद हम आपको एडिट करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं शॉर्ट।
जो हमारी सेवेंथ एक्टिविटी है व्हाट्स कम इट बिटवीन वाली हम करेंगे। पेरेंट्स मेनली गलती ये करते हैं कि वो बिफोर सिखा देते हैं आफ्टर सिखाते हैं, सबसे पहले उनको बिटवीन सिखाना चाहिए बच्चों को, जो उनके लिए इजी रहता है। तो अब हम सबसे लास्ट में जो एक्टिविटी करेंगे, लेट्स लर्न विथ कैटरपिलर। तो अब हम इसमें वाटर कलर यूज करने वाले हैं, तो वाटर कलर से ये कैटरपिलर बनेगा। जैसे 6 है तो हम थंब पेंटिंग यूज करेंगे। 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वाली एक्टिविटी में आपको एडवाइस देना चाहूँगी, पहले बिफोर आफ्टर सिखाने से पहले बिटवीन सिखाइए, बच्चे इजीली सीखते हैं और कन्फ्यूज भी नहीं होते। तो ये फन वे एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं, इससे कलर मैचिंग भी सीखते हैं एंड काउंटिंग भी सीख रहे हैं, एंड इससे पैटर्न्स बच्चे सीख रहे हैं, एंड पैटर्न काफ़ी अच्छी पेंटिंग बन गई। तो सारी की सारी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, आप अपने बच्चों को समर वेकेशन में ज़रूर कराइएगा। और आपको कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं विद द बेल आइकन, सो देट आप हमारी नोटिफिकेशन टाइम पे देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।